रंग कहीं आप दूध के साथ कोरोना तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से सामने आया। यहाँ पर एक ऐसा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है जो ना जाने एक दिन में कितने घरों तक दूध पहुंचाता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज हरियाणा का रहने वाला है जो हिमाचल की सीमाओं पर गांव में दूध की सप्लाई करता था। दूध सप्लायर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जिला प्रशासन ने हरियाणा बॉर्डर पर हिमाचल के कालू झीना और किया गांव को सील कर दिया। कालू झीना के रे और 50 से ज्यादा लोगों को घरों में क्वारंटीन कर दिया गया। बंदे ये सभी वो लोग हैं जो इस दूध वाले के संपर्क में आए हैं, और अगर इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं तो हिमाचल के लिहाज से बेहद चिंताजनक हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में अब एक दूध बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके संपर्क में करीबन 50 लोग आए हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसे में सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप भी लॉकडाउन के बीच राशन या दूसरी चीजें खरीदने बाहर जाते हैं तो